अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी करने का और कई सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी किसी कारणवश आप कुछ पॉइंटों से रह जाते हैं, आपके मन में भी ये सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे सर पढ़ाई तो बहुत की है लेकिन एक दो चैप्टर ऐसे हैं जिसमें डाउट रह जाता है, सर मेरे पास 3-4 लेखक की बुक है, आपकी बुक भी है, फिर भी जो है रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर रहा, नहीं हो पा रहा, सर मैं बहुत गरीब हूँ, आपका कोर्स 500 रुपये की फीस नहीं दे सकता, सर मुझे लेथ मशीन चैप्टर नहीं आता, सर हमारा एग्जाम है, मुझे सर नोट्स दे दो। अगर आपके मन में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कई सालों से, कई महीनों से, तो दोस्तों आज इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस का आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कंटिन्यू। जय हिंद सभी साथियों को। तो दोस्तों इन्फो ट्रेड लेकर आया है आपके लिए ट्रेड थ्योरी की कॉन्सेप्ट क्लासेस। क्या है ये कॉन्सेप्ट, आज की इस वीडियो में पूरा समझेंगे। दोस्तों ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि इन्फो ट्रेड से ट्रेड थ्योरी का कॉन्सेप्ट पढ़कर अभी तक अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में लग चुके हैं। साथियों ये वो बच्चे हैं जो कि इन्फो ट्रेड के पेड कोर्स से जुड़े, किसी बच्चों ने स्किल टेस्ट सीखा, किसी ना किसी पर्पज से वो इन्फो ट्रेड से जुड़े रहे और आज वो सफल हो चुके हैं। दोस्तों लास्ट टाइम जो है NPCIL में भी 7 से 8 बच्चे स्किल टेस्ट में सेलेक्ट हुए हैं जो कि इन्फो ट्रेड से पढ़ चुके हैं। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं इन्फो ट्रेड लगातार ITI छात्रों के लिए काफ़ी सारी क्लासेस, काफ़ी सारे जो है छोटे छोटे इवेंट्स लेकर आता है जिससे कि बच्चों को सफलता मिल सके। लास्ट टाइम साथियों इन्फो ट्रेड ही एक एकमात्र चैनल है जिसने ITI के क्षेत्र में 12 घंटे की लगातार मैराथन क्लास दी है। आप ये देख सकते हैं, ये लाइव अभी भी पड़ी है, आप YouTube पर जाएंगे हजारों इसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 12 घंटे की, 10 घंटे की, 11-11, 8-8 घंटे की भी हमने ITI छात्रों के लिए, ITI के बच्चों के लिए मैराथन क्लास चलाई है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ वापस जो है अपने टॉपिक पर। अभी साथियों एक रिजल्ट आया था BEML का, तो इसमें एक हमारा स्टूडेंट है मोहम्मद अकरम हसन जो कि कानपुर से हैं, इनका अभी सिलेक्शन हुआ है और फाइनल कॉल लेटर आ गया। ये कल ही की बात है, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जल्दी ही इनके साथ एक वीडियो भी हम अपने चैनल पर लेकर आएंगे। ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने BARC का एग्जाम रिटर्न क्वालिफाई किया है, DRDO का क्वालिफाई किया, कुछ नंबर से, कुछ पॉइंटों से रह गए। आप ये समझ सकते हैं साथियों, क्वालिफाई किया एग्जाम, इसके बाद जो स्किल टेस्ट होता वो भी वहां तक भी पहुंचा, लेकिन कुछ कारणवश नंबरों से, क्या आप मान सकते हैं, नंबर से रह गए, स्किल टेस्ट में बाहर हो गए, फिर भी हार नहीं मानी, BARC में ट्राई किया और BARC में भी सिलेक्ट हुआ और BARC का स्किल टेस्ट भी दे दिया। अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया लेकिन फाइनल जो है BEML आ गया है। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो हार मान लेते हैं, एक दो एग्जाम रिटर्न क्वालिफाई नहीं करता, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो अगर आप साथियों कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे थ्योरी का, अगर आप डीपली किसी चीज़ को पढ़ते हैं, उससे जुड़े क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं तो आप उसको जरूर जो है सही कर कराएंगे। तो इसी के चलते हुए साथियों मैं आपसे कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट दिखा देता हूँ। लगभग हमें 10 से 15 साल हमारी टीम को हो गया है ITI के क्षेत्र में काम करते करते, तो अक्सर बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे विद्यार्थियों के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि सर पढ़ाई तो बहुत की है लेकिन एक दो चैप्टर ऐसे हैं जिसमें हमेशा डाउट रहता है। नेक्स्ट जो है बच्चे हमसे बात बोलते हैं, सर मेरे पास 3 से 4 राइटर की बुक है, आपकी भी बुक है, आपकी बुक कौन सी? साथियों ये जो इन्फो ट्रेड की बुक है, ये बुक भी बहुत बच्चों के पास है, लगभग 10,000 से ज़्यादा बच्चे आज इस बुक को पढ़ते हैं, फिर भी सर रिटर्न क्वालिफाई नहीं हो रहा। नेक्स्ट जो है बच्चे हमारे से मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, बात करते हैं कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, आपके कोर्स की 500 रुपये फीस नहीं दे सकता। नेक्स्ट जो है बच्चे हमसे ये भी कहते हैं कि सर मुझे लेथ मशीन चैप्टर नहीं आता। एक पॉइंट ये भी है कि सर हमारा एग्जाम है, हमें सिर्फ नोट्स चाहिए। तो ऐसे उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज इन्फो ट्रेड एक प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज लेकर आया है। तो वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो साथियों यहां मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा इसके बाद, और एक चीज और भी याद रखना, ये सभी बच्चे, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो ITI के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ITI से एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपका जो कॉम्पिटिशन है वो BTech एंड डिप्लोमा के छात्रों से भी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो BTech डिप्लोमा करने के बाद ITI करते हैं कि भाई ITI से नौकरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका कंपटीशन इनसे भी है और तमाम उन विद्यार्थियों से है जो कि तैयारी कर रहे हैं, जो एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं और उनका सिलेक्शन हो भी जाता है। तो यहाँ मैं आपको एक लेके चलता हूँ कॉन्सेप्ट क्लासेस पर। तो साथियों ये आप काफ़ी सारी इमेजेस देख रहे होंगे, तो अभी जो है हमने कॉन्सेप्ट क्लासेस के नाम से अलग अलग चैप्टर के लिए अलग अलग चैप्टर का कोर्स बनाया है। जी हाँ, अलग अलग चैप्टर का कोर्स बनाया, आप ये देख सकते हैं, सेफ्टी है, हीट ट्रीटमेंट, मार्किंग एंड मार्किंग मीडिया, टाइप्स ऑफ गेज है, सरफेस गेज, वेल्डिंग, आप किसी भी चैप्टर को पढ़ना है। अगर आपका कोई
ऐसा पॉइंट है कि सर मुझे लेथ मशीन नहीं आता, तो आप यहाँ पर लेथ मशीन भी पढ़ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ब्रोचिंग मशीन, शेपर मशीन, प्लेनर मशीन, स्लोटर मशीन, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक एंड सीएनसी। तो अगर आपको लगता है कि सर हम 500 रुपये फीस या 1000 रुपये फीस नहीं दे सकते, हमें सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है, तो अब आप हमारे साथ एक चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको ITI स्किल अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाएंगे। अब आप सोच रहे हैं कि सर हमने ऐप तो डाउनलोड कर ली, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इनका प्राइस क्या है। तो दोस्तों इनका जो प्राइस है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिससे कि काफ़ी बच्चों को डाउट होगा। प्राइस जो है साथियों 10 रुपये से स्टार्ट होगा, 10 रुपये से लास्ट जो है 99 रुपये तक कोर्स यानी कि चैप्टर का जो प्राइस रखा गया है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें बताई है। मैं आपको नेक्स्ट पेज दिखाता हूँ, सारी चीज़ें बताई है कि कितनी क्लासेस है। जैसे हम बात करें साथियों लेथ मशीन्स की, लेथ मशीन्स में कितनी क्लासेस हैं, 14 क्लासेस हैं, ये यहाँ पे ये देख सकते हैं 14 क्लासेस हैं, और ये 12 घंटे का हमारा क्लास है, 12 घंटे का कोर्स है। अब इसमें आपको लेथ मशीन से रिलेटेड जितने भी PDF फाइल हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो आपको इसी कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। तो अब आपको सेपरेट अलग अलग कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उस थ्योरी को पकड़ना है, उस चैप्टर को पकड़ना है, पहले उसको उसकी तैयारी। सभी में जो है एक एक महीने की वैलिडिटी दी है, आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, अगर आप एक महीने उस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। एक महीना ये नहीं है कि एक चैप्टर एक महीना, आप अलग अलग चैप्टर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे 5 चैप्टर ऐसे हैं पूरी किताब में जो मेरे डाउट्स हैं और मैं इन्हें पढ़ना चाहता हूँ किसी अच्छे गुरु से, किसी अच्छे टीचर से। तो साथियों आप इन्फोटेड की सेकंड जो ऐप है ITI स्किल अकेडमी, उसको आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको ये सारे तमाम कोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको शेपर मशीन की 5 वीडियो है, 4 घंटे की टोटल इसमें क्लासेस हैं। प्लेनर मशीन पढ़े, स्लोटर मशीन पढ़े, और ये वो चैप्टर हैं जो आपको आसानी से नहीं मिलते, कंटेंट वो है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा कंटेंट हमने पढ़ाया है, चाहे वो हाइड्रोलिक न्यूमेटिक, अभी लास्ट टाइम जो है MPTO के एग्जाम भी आया था, उसमें भी हाइड्रोलिक न्यूमेटिक के क्वेश्चंस आए थे। आपने अगर एग्जाम दिया होगा तो इस चैप्टर में वो क्वेश्चन हमने कराए थे, आप चाहे तो उन पेपर से मिलान कर लेना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि नई चीज़ जो है क्या है। और यहाँ पर साथियों मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि अगर आप किसी बुक को परचेस करना चाहते हैं ITI के लिए फिटर मशीनिस्ट अंडर से, तो इसका लिंक, इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। काफ़ी बढ़िया बुक है और बहुत सारे बच्चे इस बुक को पढ़कर क्वालिफाई हो चुके हैं। ठीक है, तो ये साथियों एक पीछे वापस इमेज दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ एक टाइटल लिखा है, हर माँ बाप का सपना सरकारी नौकरी में हो बच्चा अपना। तो सभी के माँ बाप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में हमारे बच्चे हों, हमारा लड़का सरकारी नौकरी में हो, हमारी लड़की सरकारी नौकरी, लेकिन उसके लिए उस बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है, उस बच्चे को काम करना पड़ता है और उसको गाइडेंस की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो साथियों कई सालों से मैं लगातार बहुत सारे बच्चों को गाइड करता आ रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि सेलेक्ट भी हो गए हैं, बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड कराया है। तो अलग अलग स्टूडेंट को फ़ोन पर बातें करके कंटेंट प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता, तो इसी के लिए इन्फोट्रेड ने काफ़ी सारे अलग अलग कोर्सेज बनाए हैं और बहुत ही अफोर्डेबल फीस में हैं। अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी डाउट्स होता है तो उसका भी सॉल्यूशंस इन्फोटेड टीम आपके लिए करती है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है अपकमिंग वैकेंसी जो है, रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी है, इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आती रहती है, इसरो की भी आती है, NFC की वैकेंसी पेंडिंग है, इसेल में भी वैकेंसी आती है। तो ये वो तमाम डिपार्टमेंट है जो कि ITI से रिलेटेड जो है साल 6 महीने में वैकेंसीज निकालते रहते हैं। ठीक है, तो अभी ग्रुप डी की वैकेंसी भी आने वाली है, जिसमें कि ITI मांगा जाएगा। तो अगर ITI का सिलेबस आता है तो वहाँ पर भी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लासेस काम आएगी। और नेक्स्ट जो है पॉइंट, यहाँ मैंने लिखा है कुछ टाइटल कि बार बार परीक्षा में आ रहे कम नंबरों से निराश मत होना, क्योंकि सफलता उन्हें मिल ही जाती है जो बार बार प्रयास करते हैं। तो आपको लगातार कंटिन्यू मेहनत करनी है, कंटिन्यू प्रयास करना है, और अगर कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहते हैं, आपने पूरी बुक पढ़ी है, 4-5 जितनी भी बुक पढ़ी है, अगर आपको अभी भी लगता है कि आपका रिटर्न क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो आपको अपने इरादे नहीं बदलने चाहिए, आपको अपने रास्ते बदलने चाहिए। तो रास्ते बदलने के लिए ही आपके लिए ITI स्किल अकेडमी ऐप पर काफ़ी सारे कोर्सेज पब्लिश कर दिए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट करके कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक साथियों आप सभी अपना तैयार रखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें।